जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत, ईमानदारी और बड़ी सोच बहुत जरूरी होती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं, तरह तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सरल सरल उपाय पंडित जी से जानेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको लाभ हो। साथ ही आपका आज का राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम को शुरू किया जाए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं उनका समाधान क्या है, सरल उपाय क्या है। पंडित जी, वैवाहिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि शादी हुई लेकिन पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। पत्नी कहती है ऐसा होना चाहिए, पति कहता है नहीं ऐसा होना चाहिए, विचारों का तालमेल ही नहीं बन पाता। ऐसा कौन से ग्रहों की वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से होता है? सबसे जो कॉमन समस्या है कि पति पत्नी साथ में रहते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन विचार नहीं मिल पाते, आपस में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। अगर पति पत्नी के विचार नहीं मिल पाते तो कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि पति पत्नी की राशियों में मित्रता नहीं है। अगर पति पत्नी की राशियों में मित्रता नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाते। और अगर ग्रह में शत्रुता हो गई, मित्रता नहीं है, चलो एक बात ठीक है, लेकिन अगर पति पत्नी की राशियों के स्वामी में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, मामला ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, बेवजह बिगड़ जाता है। तो अगर पति पत्नी के राशियों में ग्रह मैत्री नहीं है तो तालमेल अच्छा नहीं होगा, और अगर राशियों में शत्रुता है तो मामला गंभीर होगा, बेवजह के झगड़े झंझट रोज रोज होते रहेंगे। पंडित जी, अगर पति पत्नी के विचार ना मिल रहे हों, विचारों में तालमेल ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या सरल उपाय करना चाहिए जिससे आपस में बनने लगे, घर में सुख शांति रहे? उसके लिए पति पत्नी को मिलकर के उपाय करना चाहिए। अगर पति पत्नी मिलकर के उपाय करें तो आपसी तालमेल बेहतर हो सकता है। ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि साथ में ही करें, लेकिन दोनों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और दोनों ही लोग सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। या तो बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों के चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा कर लें तो पति पत्नी के विचारों में जो मुश्किल है, विचारों में जो दिक्कत है, विचारों में जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा
आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपको क्या करना चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, क्या सरल उपाय किया जाए। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि शादी हुई, शादी के बाद पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है, पति दूसरे शहर में रह रहा, पत्नी दूसरे शहर में रह रही, तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? अमूमन कुंडली में सेपरेशन के योग अगर हों लेकिन डिवोर्स के योग ना हों तो पति पत्नी दूर दूर रहते हैं। अपनी नौकरी के सिलसिले में, करियर के मामले में बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी साथ में तो रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते, दूर दूर रहते हैं। अगर विवाह के तुरंत बाद शनि की दशा आ जाए, अंतर दशा राहु की दशा आ जाए, तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। कारण होता है कि भाई पत्नी सरकारी नौकरी कर रही है दिल्ली में और पति प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बेंगलोर में, तो करियर या नौकरी के वजह से पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। और काफी प्रयासों के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि पति पत्नी की कुंडली में अगर डिवोर्स का योग होता है और डिवोर्स से बचना चाहते हैं या समय बचाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स तो नहीं होता, लेकिन पति पत्नी अपने करियर और बाकी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। संबंध रिलेशनशिप चलता रहता है लेकिन रहते हैं एक दूसरे से दूर दूर। पंडित जी, जब ऐसी स्थिति बन रही हो कि पति पत्नी दूर रह रहे हों किसी भी कारण से, जॉब की वजह से या ग्रहों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें ताकि जो है ये दूरी कम हो जाए? अब इसमें भी जो उपाय है वो पति पत्नी दोनों करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें, पति भी करेंगे पत्नी भी करेंगी, रोज सुबह एक बार मधुराष्टक का पाठ करिएगा। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा, पति भी जलाएंगे और पत्नी भी जलाएंगी। दोनों अपने अपने बेडरूम में, चूंकि अलग अलग रहते हैं तो दोनों अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर
नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का ज्वाइंट चित्र, पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएं तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या करें आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे आप ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। इसके साथ ही आप सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको फायदा हो। साथ ही शुभ मंगल सावधान देखिएगा, क्योंकि शुभ मंगल सावधान में पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। अब सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न नीरज कुमार ने हमें लिखा है और नीरज कुमार हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मई 1985। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। नीरज जी कह रहे हैं कि नौकरी में कोई उन्नति लंबे समय से नहीं हो रही है और नौकरी में मैं परिवर्तन भी करना चाहता हूं, परिवर्तन भी नहीं हो रहा है और उन्नति भी नहीं हो रही है, तो क्या उपाय करूं जिससे करियर में उन्नति हो सके? नीरज जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस साल के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप नौकरी बदलने का प्रयास करिएगा, आपकी नौकरी बदल जाएगी। दूसरा, नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान भी परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना भी जरूर बन रही है। तीसरी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपका करियर और आपका जीवन अक्टूबर 2024 के बाद काफी अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए?
एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है, किसी भी वजह से पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं रहते हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि घर में खुशहाली बढ़े, पति पत्नी के बीच प्रेम और बढ़े। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, शादी के पहले सब ठीक था, शादी के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो ये कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? बहुत बार ऐसा होता है प्रवीण जी कि शादी के पहले पत्नी एकदम ठीक रहती थी, शादी के बाद से बीमार रहने लगी या पति बीमार रहने लगे, तो दोनों को समझ में नहीं आता है कि शादीशुदा जिंदगी का करें क्या। तो अगर विवाह के बाद पति या पत्नी का स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ रहने लगे तो कारण क्या होता है? अगर पति या पत्नी में से कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक नहीं होता है अक्सर वो बीमार हो सकता है। दोनों की राशियों के तत्व भयंकर तौर से अपोजिट हो, एक की राशि जल तत्व वाली हो, एक की राशि अग्नि तत्व वाली हो, तो समस्या ज्यादा हो सकती है। पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा खराब हो तो ये पति के स्वास्थ्य के लिए भी बुरा होता है और पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी बुरा होता है। ऐसी स्थिति में दोनों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला जाता है। पंडित जी, अगर पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए? छोटे से उपाय हैं, अगर पति पत्नी अपने घर में करें तो दोनों का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पहला काम यह है कि अपने घर में हर मंगलवार और हर शनिवार को पति पत्नी मिल करके या जिसके पास समय है वो बैठ करके मंगल और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करेंगे। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र या उनकी एक मूर्ति रखेंगे। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे में सुबह जल डालेंगी और रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो इससे बहुत सारे फायदे तो होंगे ही, लेकिन पति पत्नी के स्वास्थ्य की जो गड़बड़ स्थिति है वो स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच जो समस्याएं आती हैं उन्हें कैसे सरल उपाय करके दूर किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याओं का निदान पंडित जी ने बताया। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच घर वालों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जो है पत्नी के ससुराल वाले, मतलब लड़के के घर वाले हस्तक्षेप करते हैं, कई बार लड़की के घर वाले भी बहुत ज़्यादा दखल देना शुरू कर देते हैं, तो अगर उसकी वजह से परेशानी आ रही तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ऐसी स्थितियाँ लाते हैं? ये बड़ी कॉमन समस्या है प्रवीण जी, और बहुत सारी महिलाओं का जीवन इसलिए खराब होता है कि उनके मायके वालों का इंटरफेरेंस होता है, या पुरुषों का जीवन इसलिए खराब होता है कि उनके परिवार वालों का हस्तक्षेप होता है। पति या पत्नी के जीवन में परिवार वालों का हस्तक्षेप होने के कारण क्या होते हैं, किन वजहों से हस्तक्षेप होता है? आम तौर पर अगर पुरुष का चंद्रमा खराब है उसके परिवार वाले समस्या पैदा करेंगे, महिला का चंद्रमा खराब है उसके परिवार वाले समस्या पैदा करेंगे। यानी जिसका चंद्रमा खराब है उसके परिवार वाले वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। मंगल की वजह से कभी कभी इसमें अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है, यानी लड़की के घर वाले अपनी लड़की के जीवन को नष्ट कर देते हैं या लड़के के घर वाले अपने लड़के के जीवन को नष्ट कर देते हैं, बेवजह का हस्तक्षेप करते हैं, वैवाहिक जीवन खराब होता है, सेपरेशन या डिवोर्स की नौबत आ जाती है। पंडित जी, अगर परिवार वालों की हस्तक्षेप की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी हो तो ऐसी स्थिति में क्या सरल उपाय करना चाहिए जिससे सुख शांति आ जाए? अब चक्कर ये है कि लोग मानते ही नहीं है कि मेरे परिवार वालों का हस्तक्षेप है। तो अगर पत्नी के परिवार वालों का हस्तक्षेप है तो पति को उपाय करना चाहिए, और अगर पति के परिवार वालों का हस्तक्षेप है तो पत्नी को उपाय करना चाहिए। क्या उपाय होगा? घर में अपने ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। अपने बेडरूम यानी शयन कक्ष को और अपने किचन को साफ सुथरा रखिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। इसको सप्ताह भर में बदल दीजिए। वैसे मैं लड़की के घर वालों को भी कहूँगा कि आप बेवजह अपनी लड़की को बरगलाइए नहीं, उल्टी सीधी बातें मत बताइए, और लड़के के घर वालों को भी कहूँगा कि लड़के को थोड़ा स्वतंत्र रहने दीजिए, उसके ऊपर अपना कंट्रोल हमेशा बनाए रखने का प्रयास मत करिए। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में धैर्य बनाए रखें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष में हर दिन का एक स्वामी ग्रह है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र स्वयं है और शुक्र वैवाहिक जीवन का स्वामी है, वैवाहिक जीवन का मालिक है। अगर आप शुक्रवार के दिन वैवाहिक विवाद करते हैं या वैवाहिक समस्याएं शुक्रवार के दिन पैदा होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन विवादों के जल्दी सुलझने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए जहां तक संभव हो, वैसे तो पति पत्नी को कभी विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन बेवजह के विवाद ना करें, अन्यथा विवाद सुलझने में बहुत समय लग सकता है। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर की बाधाएं हल होंगी। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 7, ऑफिस में आज दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 8, आज दुर्घटना से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल पूछने से पहले बता दें कि आप आगे सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि आज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न हमें पूनम शर्मा जी ने लिखा है।
वाराणसी से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1974। जन्म का समय सुबह के 11:05 और जन्म का स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। पूनम जी पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं निरंतर लगी रहती हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। पूनम जी, आपके स्वास्थ्य में ज़्यादातर समस्याएं आपके पेट की और आपके हड्डियों की दिखाई देती है। डाइजेशन और हड्डियों की समस्या का आपको ध्यान बनाए रखना है और अभी अप्रैल 2025 तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता रखिए, डॉक्टर से संपर्क करिए, लापरवाही मत करिए। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप धारण करें। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज कोई परीक्षा है, दही खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, तो सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करिएगा, सफल होंगे। अगर चिकित्सा के लिए जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई खरीदारी करनी है, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब बारी आ गई शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम कर डालिए। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं और चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।